यूटिलिटी स्टोर बहरान सर उठाने लगा। लाहौर के 124 यूटिलिटी स्टोर्स पर सामान गायब। 50 मेगा स्टोर्स पर भी सूरत हाल तशवीशनाक। हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। लाहौर में 500 मुलाजमीन की नौकरियां दाव पर लग गईं। मजीद तफसीलात जानेंगे इसी हवाले से आकिब तनवीर से। आकिब आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो यूटिलिटी स्टोर्स का बहरान है वो भी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से इनकी जो ख़रीदारी थी, इस हवाले से बाकायदा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जो ख़रीदारी है वो तमाम यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान भर में जितने भी यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको यही अहकाम जारी किए गए हैं कि वो किसी किस्म की ख़रीदारी नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि उनके पास जो सामान है वो ख़त्म होना शुरू हो रहा है, और जो सामान ख़त्म होने की वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर शहर के अंदर 124 यूटिलिटी स्टोर हैं जिनमें 50 जो मेगा यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन वहाँ पे भी सामान की सिचुएशन यही है कि शायद ज़रूरियात जो हैं वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो चुकी हैं। आटा जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा किल्लत पाई जा रही है, इसके साथ साथ शैम्पू और जो साबुन है और जो दीगर जो ज़रूरियात की अशिया हैं वो उनकी भी किल्लत यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का इसी वाले से सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 29 अरब के करीब जो कंपनियों के वाजिबुल अदा हैं यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन, जिसमें से 22 अरब रुपया जो है वो चीनी की मद में देना है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने, और बाकी जो 7 अरब रुपया वो बाकी दीगर कंपनियों के देना है, जिस जो कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। तो यही वजह है कि उसके बाद से नई हुकूमत जैसे ही आई है, उन्होंने चार्ज संभाला है, तो उसके बाद से उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। किसी किस्म की खरीदारी यूटिलिटी स्टोर्स नहीं हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। शुक्रिया आकिब तनवीर, अब अपडेट कर रहे थे।